प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित माननीय तारकिशोर जी, माननीय मंगल पांडे जी, माननीय नितिन नवीन जी, माननीय नवल किशोर यादव जी, माननीय रामसूरत राय जी, यहाँ उपस्थित माननीय प्रेम रंजन पटेल जी और सभी प्रेस के मित्रों, 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत हम सबों ने चुनाव लड़ा था और जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे, उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा, यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। यह वह बेहतर जवाब दे सकते जो कुछ भी हुआ है उसका बेहतर जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। यह सरासर बिहार के जनता और मैंडेट के साथ धोखा है और 2017 की जो परिस्थितियां बनी थी वह खुद वो बताएं कि उस भ्रष्टाचार में क्या अंतर आ गया, उस बातों में क्या अंतर आ गया। यह इस बिहार की जनता के साथ मैंडेट के साथ धोखा है और बिहार की जनता निश्चित तौर पर इसके लिए उनको सबक सिखाएंगे। धन्यवाद।